आइए और जानकारी लेते हैं कि आज यहाँ इस दलित प्रेरणा स्थल के अंदर इतनी जो भीड़ भाड़ है, क्यों है और क्या है। आइए हम अभी जानकारी लेते हैं। मैडम आपका नाम? मैं एडवोकेट ललिता चौधरी। ललिता चौधरी जी, आप यहाँ क्यों आई हैं? मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ, यहाँ पर मुझे अपनी एक पहचान नज़र आती है। आज के दिन जैसे 26 जनवरी का दिन है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। बाबा साहब की अथक मेहनत से ही संविधान उन्होंने बनाया और उन्होंने लागू करवाया और किया। आज हम देखते हैं कि यहाँ पे थोड़ा अपना फील हो रहा है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि न्यूज़ चैनल्स हैं और आज जैसे संविधान दिवस मनाया जा रहा है तो हम बाबा साहब को उनके उनके बीच में कहीं नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि भैया हम अपनी एक पहचान है, थोड़ा दिखाई दे रहा है कि कुछ अपना अपने देश है और अपने देश में एक वर्चस्व अपना थोड़ा दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। बाबा साहब ने संविधान में वो महिलाओं के लिए ऐसा क्या अधिकार दे दिया कि आप स्वतंत्र रूप से यहाँ घूम रहे हैं? महिलाओं के लिए तो बाबा साहब ने ही यहाँ पे अधिकार दिए हैं, नहीं तो उससे पहले आप देख लीजिए 1947 से पहले महिलाओं की स्थिति यहाँ पर क्या थी। और मेरे हिसाब से महिलाओं के लिए यहीं पे मतलब एक विशेष वर्ग के लिए ही नहीं, बाबा साहब ने पूरे भारत की महिलाओं को एक स्वतंत्र जो अधिकार दिया। आज महिलाएं जो मान सम्मान से जी रही हैं, मेरे हिसाब से वो बाबा साहब के संविधान की वजह से ही है कि जिनमें उन्हें पूरे राइट्स मिले हैं।